नमस्कार दोस्तों, देशवाल व्लॉग में आपका स्वागत है। भाई बरसात गए 3 दिन हो गए और मैं था शूटिंग पे, तो गुलगुले मैं खान नहीं पाया था। आज घरवाली बनाओगी मेरे लिए गुलगुले। गुलगुले दोस्तों दरअसल हरियाणवी डिश है, इसे नाम हरियाणा की स्वीट डिश भी कह कहा, क्योंकि यह गुड़ और आटे के साथ बने आकर। तो सारी का बताओगी के तैयारी करी है गुलगुलिया के लिए। आटा ले लिया है, गुड़ ले लिया है, पानी ले लिया है, और चूल्हे पर हम गुलगुले बनाओगे। कोई चीनी तो बना ले है, हम गुड़ तो बनाओगे। तो भाई आज घरवाली गुड़ तो बनाओगे, और गुड़ ऑलरेडी मैंने कूट दिया है, गुड़ जो है वो कूटना पड़ेगा करे गुलगुलिया के लिए। और अभी आगे का जो प्रोसेस है वो भाई सारी का बताओगी, मुझे तो नहीं पता। हालांकि खाया बहुत करते हैं, मार बनाया करती ही, तो भाई बहुत कम बना है गुलगुले, लेकिन ये है स्वाद हम लेते रहा बीच बीच में। हालांकि मैंने व्लॉग नहीं बनाया सोनू आज थी गुलगुले का। हाँ। तो भाई आज गुलगुले बना के दिखावांगे आप लोगों ने। तो बता सोनू केक रही आ गई। आटा ले मुझे ला दे। तो भाई वो आटा डाल लिया इसमें, इस बर्तन में, ये देखो थोड़ा सा आटा डाल लिया है, ज्यादा नहीं डाल लिया। ये थोड़ा क्यों डाल लिया उस बात का मुझे पता नहीं। और ये गुड़ इसके अंदर मिला दिया आटे के अंदर। हाँ। तो भाई थोड़ी मक्खी भी आ गई, क्योंकि गुड़ है, गुड़ के पास मक्खी जरूर आऊंगी, कोई भी उपाय नहीं है मक्खिया का गर्मी में खासकर। इसमें डालेंगे पानी। ये पानी डाल दिया भाई, ये देखो, और इस तरह से मिलाना होगा। दोस्तों मैं एक बात बता दूं आप लोगों ने, यो जो चूल्हा आपने दिखाई दे मिट्टी का, यो 450 रुपए का शहर में तो खरीद के ले आई थी सोनू, और आज ये लकड़ी भी ले आई है। देखो कितनी लकड़ी है सोनू, दो धड़ी। हाँ। यानी कि एक धड़ी में 5 किलो है। हाँ। 10 किलो है। 10 किलो। कितने रुपए की मिली? 80 रुपए की। तो भैया देखो इतनी सारी लकड़ी जो है शहर में 80 रुपए की मिली, गाँव में सोनू संतर में पड़ी रहा है इस तरह 20 गुना लकड़ी। हाँ। रोड का जो संतर हो ना, इतनी तो वैसे पड़ी रहे हैं, लेकिन भाई शहर में खरीदनी पड़े है दोस्तों। तो अभी देखो जो मिश्रण है गुलगुलिया का, वो भाई बिल्कुल पतला हो गया है। तो अभी दोस्तों आग हमने चढ़ा ली है, और ये तेल डाल दिया इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर। अभी तेल थोड़ा गर्म होगा, तो अभी दोस्तों हमारा तेल भी काफी गर्म हो गया है। और भाई बात करते करते, काम करते करते थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा, श्याम हो गई है। तो ये देखो भाई, यो थोड़ा हमने और ज्यादा टाइट कराया है, तो इसमें और आटा मिला गया, सारी गानों और ज्यादा करड़ा कर दिया है यो। तो चलो भाई देखते हैं, ये देखो भाई इस तरह छोड़ने हो हैं। तो जी सबसे पहले जो गुलगुले तारे थे वे गाय माता के लिए बेटी ले जाने लग रही है निशु, जा बेटे खवाया। और गाय माता दोस्तों हमारे घर के सामने रहो है। तो ये देखो दोस्तों जो पहले गुलगुले निकल गए हैं, सबसे पहले तो हमने गाय माता के लिए दे दिए थे, और ये दूसरी बार में जो निकल गए हैं ये भाई कुछ इस तरह से हैं, पता नहीं मार जो बनाया करती वो ये टेस्ट पाओगा या भाई कुछ अलग पाओगा, उस बात का तो अभी पता नहीं है। लेकिन घराली नहीं हुआ भाई, पसीनम पसीना। और ये देखो तो टेस्ट थोड़ा बहुत तो जरूर पाओगा, ज़्यादा नहीं था। और भाई गर्मी भी काफ़ी है, तो दोस्तों देखो कितने सारे गुलगुले सारी का उतार चुकी है, और अभी भी लग रही है भाई गर्मी काफ़ी हो रही है, पसीनम पसीना हो गई है घराली। लेकिन ये है भाई, टेस्ट करके देखांगे और फिर नंबर दूंगा मैं सोनू का, कितने नंबर आज या लेवगी गुलगुले तारण में। सोनू पहली बार बनाए या पहले ही बना चुके हो आप? बहुत बार बना लिए। तो मैं मेरे ततना खवाए हैं कभी? खवा रखते हैं। कब? गाँव में खवाए थे। तो गाँव में खवाए थे, इतने दिन के याद थोड़ी रहे हैं। गुलगुले भी पूड़े भी
पूड़े तो याद है, पूड़े तो कई बार खा लिए, लेकिन गुलगुले नहीं खिलाए हैं सोनू मेरे हिसाब से। वैसे तो मेरे याद ना होंगे भाई। दोस्तों हमारे हरियाणा प्रदेश में गुलगुलिया का अलग महत्व है, और सोनू तो पूछेंगे कि गुलगुले कब कब उतरिया करे और किन मौके पर उतरिया करे। सोनू गुलगुले जिस तरह अपने घर में नया अनाज आओ ना, तो नए अनाज के पहला बनाकर माता चढ़ाकर आगरा माता धोकर आगरा। हाँ, माता धोकर आगरा। तो भाई देख लो, नया अनाज जब घर में आओ खेत से तब भी गुलगुले बने आगरा। और सारी का जो बात नहीं बता पाई वह एक मैं बता दूं, बरसात में बहुत मन करे आगरा, बरसात हो जा तो भी गुलगुले घर में उतर जाए हैं। हरियाणा में हम तो भाई साहब हमारे गाँव में तो खूब खाया करते, मार जब बना दिया करती, लेकिन सामण में बरसात में अच्छे लग गए ये, है ना बेटा। हाँ। आपने कितनी बार खा रखे हैं? मैंने अच्छे ना लगा अगर गुलगुले, पकोड़े बढ़िया लगा मैंने। अच्छा, मीठा अच्छा ना लगता। हाँ। आपको पकोड़े अच्छे लगते हैं। हाँ। तो कभी कभी गुलगुले भी खा लिया करो बेटा। हाँ, कभी कभी खा लूं, उन्हें तो खा रखे हैं बहुत बार। बहुत बढ़िया। तो अभी दोस्तों थोड़े बहुत रह रहे हैं और भाई काफी पसीने आ गए, मेरे भी खूब पसीने आ रहे, सोनू तो बिल्कुल नाली है। बच्चे अभी बाहर जा रहे हैं खेलने, आज उन्हें सरप्राइज देंगे स्पेशल गुलगुलिया का। पहले खा रखे हैं बच्चे ने वैसे, लेकिन उनका मूड देखा है भाई कैसा रहेगा गुलगुले देख कर। अभी दोस्तों गुलगुले तो सोनू ने उतार दिए, और साथ साथ में देखो एक फायदा और उठा लिया इसने, चूल्हा तो जला रहा था, इसने रोटी और पका ली। सोनू चूल्हा जल रहा था, पसीना में हो रही थी, मगर इतना गल गल रोटी और बना दी चूल्हे पे। तो भाई हमने है ना बहादुरगढ़ सेक्टर 9 आने के बाद पहली बार चूल्हे पे रोटी पोई है सारिका ने, और मैं आज पहली बार चूल्हे की रोटी खाऊंगा शहर में आने के बाद अपने घर पे। वैसे तो मैं कई जगह खा रहा हूं, तो भी रोटी भी पोली, और देखो भाई कितनी सुंदर रोटी चूल्हे पे पके हैं, गैस पे नहीं पक पाती है ऐसी रोटी जो चूल्हे वो बने हैं। तो सोनू मैं बच्चे ने देख लूं एक बार है। ठीक है, ठीक है। तो अभी दोस्तों मैं आवाज लगाता हूँ बच्चों को, आवाज लगाती आ जा रहा है। ये देखो एक आवाज मैंने पहला लगाई थी, दोनों भाई आ गए हैं। हाँ छोटे, रोक 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 रोक, अरे रे रे रे, ये देखो क्या होने लग रहा है आज, देख भाई देवा। तो भाई देखो खेल गए हैं, पसीनम पसीना हो रहे हैं, और आज हमारे घर में भाई धुम्मा भी काफी हो रहा है। तो दोस्तों रात के बज गए 8, और सारिका ने रोटी भी पोली भाई, सब्जी भी बना ली, और ये गुलगुले भी बना दिए भाई। तो अभी छोटा और देव चेक करके बताऊंगे इन्हें, तो बताओ भाई कैसे लगे? बढ़िया। अच्छे हैं, मीठे हैं? हाँ। कब कब खाए थे इससे पहले, कहाँ खाए थे? स्कूल में। स्कूल में? स्कूल में किसी ने गुलगुले बना दिए भाई? स्कूल में मिला। कौन से स्कूल में? पब्लिक गांव में। हाँ। ओहो सोनू, जब गांव में पढ़ा करते तो वहां पर बनाया करते, हाँ दोपहर में बनाया करते वहां पे। तो भाई मैं भी खा के देखता हूँ और बताता हूँ इनका टेस्ट कैसा। ये देखो भाई, ये तो कति गुलगुले जी सा लाल हो रहा है भाई बिल्कुल, और मुझे करारे पसंद हो रहा दोस्तों। भाई साथियों गुलगुले बहुत बेहतरीन बनाए सोनू ने, मजा आ गया। थोड़े मीठे कम है क्योंकि मैं मीठा ज्यादा खा रहा हूँ, इसलिए मन में कम लगते होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना। राम राम दोस्तों। लाइक करना शेयर करना कमेंट करना सब्सक्राइब जरूर करना। राम राम दोस्तों।